बहुत अच्छी लगी। मुझे अच्छी लगी फिल्म भारत। सर बिना स्टोरी की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मुझे अच्छी लगी फिल्म भारत और बहुत ही अच्छा, मतलब सलमान जी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है, कैटरीना ने बहुत अच्छा वर्क किया है, सुनील ग्रोवर ने बहुत अच्छा वर्क किया है। मतलब एक अच्छी स्क्रिप्ट उठती है जिसमें भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा था तो उसको दिखाया गया उन्होंने, और उसके बाद में किस तरीके से अपनों को मिलने की एक अच्छी फीलिंग्स दी है। मतलब हर रंग है फिल्म में। फाइव भी दे सकते हो? हाँ, बहुत थर्ड क्लास मूवी है भाई, बिना स्टोरी की मूवी है, बहुत थर्ड क्लास मूवी है, बहुत थर्ड क्लास। सलमान से ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, स्टोरी बिल्कुल नहीं है, एक्टिंग सबकी अच्छी है, बहुत वाहिया था, डायलॉग भी बेकार है। सर आपको कैसी लगी फिल्म भारत? सर बिना स्टोरी की मूवी है जिसमें जबरदस्ती घसीटा गया है पूरी पिक्चर को, सिर्फ सलमान खान की एक्टिंग या सुनील ग्रोवर की एक्टिंग कह लें, सलमान खान की एक्टिंग भी नहीं, कि जो चार कॉमेडी सीन थे बस उनकी दम पे ये पिक्चर को देखा गया है। कितने देंगे आप पांच में से? एक। भारत कैसी लगी आपको? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत इमोशनल। सलमान खान की एक्टिंग? मैं कहता हूँ कि जितनी भी सलमान खान ने मूवीज की है ना, ये सबसे बेस्ट मूवी है उसकी, बेस्ट, और एक्टिंग वाइज भी बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट। सभी ने अच्छा काम किया और फिल्म इतनी इमोशनल है कि मैं खुद आंखों से आंसू आ गए थे। कितने स्टार देंगे आप? 5 में से जो 500 स्टार मिले तो वो भी कम है। बहुत अच्छी लगी। एज अ मूवी इट इज गोना चेंज एवरीबॉडीज लाइफ, सो आई थिंक वी एवरीवन शुड वॉच इट एटलीस्ट वंस। सलमान खान डाई हार्ड फैन, सो आई लव यू। कैटरीना कैफ, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी एंड आई थिंक दे शुड वर्क टुगेदर इवन मोर। सुनील ग्रोवर, ही किल्ड इट। एनी सॉन्ग यू लाइक इन द मूवी? स्लो मोशन में। कितने स्टार देंगे आप? 4.5। फिल्म काफ़ी अच्छी है, एंटरटेनिंग है, और ऑब्वियसली सलमान खान है तो सलमान मतलब किसी भी एज में दिखाया जाए, अभी इसमें ओल्ड एज में दिखाया गया, बट ही इज़ माई फेवरेट एंड ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम इन फिल्म। यस। कैटरीना कैफ वॉज ऑल्सो गुड, मीन्स लाइक जो एज ग्रुप उनको दिया है या जो कैरेक्टर्स उनको दिए गए हैं तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से निभाए हैं। सुनील ग्रोवर वॉज ऑसम। स्लो मोशन सॉन्ग मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, बाकी स्टोरी अच्छी है, कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कुछ जगह पे कि लेंदी हो रही है, बट ऑब्वियसली सलमान खान है तो उस वजह से वो नहीं इतना मैटर करता है। स्लो मोशन सॉन्ग मैंने अभी जैसे बताया कि स्लो मोशन सॉन्ग इज़ माई फेवरेट, तो वो सॉन्ग मुझे अच्छा लगा। बाकी मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें यही लगी जैसे मैंने अभी भी बताया कि एक बेटे ने अपने फादर को दिया हुआ प्रॉमिस निभाने के लिए ही गेव हिज होल लाइफ, सो वो चीज़ मुझे ज़्यादा टच कर गई एंड आई विल गिव 4 स्टार आउट ऑफ 5। तब्बू उनका तो गेस्ट अपीयरेंस था तो उतना, मतलब जिनको जो भी कैरेक्टर्स मिले हैं तो सभी आर्टिस्ट ने अपना 100% देने की कोशिश ऑब्वियसली की है। आई विल गिव 4 स्टार। Awesome. Are you big fan of Salman Khan? No, I'm not a big fan of him, but I like Salman. Acting is good, but the thing is that storyline बहुत poor है। हर दूसरे moment में सलमान कुछ ना कुछ बनता जा रहा है तो ये हजम नहीं होता यार, we are practical world में है, like उसकी study नहीं दिखाई, उसने कोई study नहीं की है सलमान ने, बचपन से उसको ऐसा दिखाया कि labor worker है, suddenly you are becoming anything। Awesome, she's really awesome. Good. You like any song in the movie? All songs are really good. Which one? Your favorite? Salman and her song, Aankhon Ke Ocean Mein. Okay. That was, and the Disha Patni song is also really awesome. What about Sunil Grover? Wow, he took the movie. All movie he took it. Means you didn't like the direction? I can't say the direction also. The story script is really really poor. Everything was good if script was good. Like I was expecting Bajrangi Bhaijaan again, but film देखते हुए जब last moment देखते हो आप हिंदुस्तान पाकिस्तान का reunion करवा रहे थे, जो the interviews करवा रहे थे उस time पे आप Bajrangi Bhaijaan को याद करने चले जाते, पूरी फिल्म आपको review हो जाती है। आई थिंक ही हैज़ टू डू समथिंग एल्स बिकॉज इट्स अ डिफरेंट ईद, इट्स नॉट द सेम कॉन्सेप्ट ना, आप ईद पे रिलीज कर रहे हो तो हर टाइम वही कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में आएगा तो आई थिंक फॉर द स्क्रिप्ट 1 एंड फॉर द एक्टिंग 3। अच्छी मूवी थी। भारत कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छा था,
सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे, सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग अच्छी थी, उनका कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं था, सिर्फ उनका वो ग्रेट सर्कस में उनका एक डांस था, इट वॉज अ गुड डांस। थ्री इट इज अ वन टाइम वॉच। कैसी लगी आपको ये मूवी भारत? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप सलमान खान की फैन हैं? तो सलमान खान की एक्टिंग पसंद आई आपको? बहुत अच्छी। कोई गाना, कोई डायलॉग पसंद आया आपको सलमान खान की फिल्म? हाँ। कौन सा वाला? सब पसंद है, सारे अच्छे थे। और इसके अलावा कटरीना कैफ भी है, हाँ, तो और सुनील ग्रोवर भी है, तो उनकी एक्टिंग पसंद आई? बहुत अच्छी लगी। इन लोगों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सुनील ग्रोवर, सलमान खान, आप उनकी फिल्म देख कर? सलमान खान के बारे में? हाँ हाँ। क्या बोलेंगे आप सलमान खान को? कि वो मेरे फेवरेट एक्टर है, और मेरा बर्थडे 26 दिसंबर को आता है और उनका बर्थडे 27 दिसंबर को आता है। क्या बात है, ईद है आज, तो आप सलमान को हैप्पी कहना चाहोगे? हाँ, हैप्पी ईद सलमान। 5 में से जो 500 स्टार मिले तो वो भी कम है। कितने देंगे आप 5 में से? एक।